मैं हूं आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा? आप काफी एक्सरसाइजेस करके थक चुके हैं एंड वेट लॉस के काफी रेमेडी भी ट्राई कर चुके हैं, फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी इजी एक्सरसाइजेस शेयर करने वाली जिसको करने के बाद 100% आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। आपको बस इतना करना है, मेरी बताई गई हुई इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करना है। एंड जो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए किसी भी तरीके के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत है, ना ही आपको इन एक्सरसाइजेस के लिए बाहर जाने की जरूरत है। आप इनको आराम से अपने टेरेस पे या अपने रूम पे कर सकते हैं। एंड इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए ओनली आपको 10 to 20 minutes निकालने की जरूरत है। एंड जो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, आपको मेरी इन एक्सरसाइजेस को ध्यान से देखना है, देन फॉलो करना है। अगर आप कोई भी गलत एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा। सो मेरी इन एक्सरसाइजेस को ध्यान से देखें, देन फॉलो करें। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो के फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पे लेटना है, देन अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करके रखना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों लेग की नी को बेंड करके लेग्स को अपसाइड उठाना है, देन डाउन साइड लेके जाना है। इसमें आपको अपने दोनों हैंड्स का भी यूज करना है, दोनों हैंड्स को डाउन साइड लेके जाना है, देन अप। इसको ओनली 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करके रखना है, देन फर्स्ट आपको अपने लेफ्ट लेग को यूज करना है, लेफ्ट लेग के नी को बेंड करके अपसाइड उठाना है, सेम राइट लेग को यूज करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हैंड्स को भी यूज करना है, दोनों हैंड्स को आपको अपने फर्स्ट अपने लेफ्ट लेग के नी को टच करना है दोनों हैंड से, सेम राइट अगेन लेफ्ट अगेन राइट। इसको ओनली 15 के 4 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करके दोनों लेग्स को अपसाइड उठाना है, देन फर्स्ट अपने लेफ्ट लेग को यूज करना है, लेफ्ट लेग की नी को बेंड करके अपसाइड उठाना है, देन सेम राइट को यूज करना है। इसको ओनली 15 के 4 सेट्स करने। इस एक्सरसाइज में आपको दोनों हैंड्स का यूज करना है, दोनों हैंड से फर्स्ट अपने लेफ्ट लेग की नी को टच करना है, सेम राइट से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम आपको अपने दोनों लेग्स के नी को बेंड करके रखना है, देन अपने दोनों लेग्स को हमें ओपन करना है, यानी कि अपने दोनों लेग्स की थाइस को ओपन करना है, देन जॉइंट करना है। इसको ओनली 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है।
अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स के नीचे बेंड करके रखना है, देन अपने दोनों लेग्स को यूज करना है, दोनों लेग्स को आपको फ्रंट साइड फॉरवर्ड करना है। साइक्लिंग करनी है आपको। आपको अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके रखना है। इसको ऑनली 15 के 4 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम आपको अपने दोनों लेग्स के नीचे बेंड करके रखना है, देन अपने दोनों हैंड्स को फर्स्ट अपने राइट साइड लेके जाना है, अपनी अपर बॉडी को भी राइट साइड टर्न करना है। आप इस एक्सरसाइज में बॉल का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट राइट, देन लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट। इसको ऑनली 15 के 4 सेट्स करने। एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पे लेटना है, देन अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करना है, दोनों लेग्स को अपसाइड उठा के स्ट्रेट करना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन जॉइंट, इसको भी ऑनली 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम आपको अपने दोनों लेग्स को अपसाइड उठाना है, बट अपने दोनों लेग को क्रॉस करके रखना है, देन अपने दोनों लेग्स के नीचे बेंड करके डाउन साइड लेके आना है, देन अपसाइड स्ट्रेट करना है। इसको ऑनली 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग को अपसाइड ले जाके स्ट्रेट करना है, देन फर्स्ट अपने दोनों लेग्स को क्रॉस करना है। फर्स्ट अपने राइट लेग को अपसाइड रखना है, देन लेफ्ट डाउन। सबसे पहले आपको अपने राइट लेग को अपसाइड रखना है, देन लेफ्ट लेग को डाउन साइड, देन सेकेंड में लेफ्ट को अप, देन राइट को डाउन साइड। इसको 15 के 4 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पे लेटना है, देन अपने राइट लेग के नीचे बेंड करके लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करना है, अपसाइड उठाना है, अपने हिप्स को अपसाइड उठा के रखना है। फर्स्ट अपने लेफ्ट लेग को यूज करना है, लेफ्ट लेग को अपसाइड उठाना है, देन डाउन। लेफ्ट साइड 15 के 2 सेट्स करने। सेम लेफ्ट लेग के नीचे को बेंड करके राइट लेग को यूज करना है, राइट साइड भी 15 के 2 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स के नीचे बेंड करके अपने हिप्स को अपसाइड उठाना है, देन अपने दोनों हैंड्स को अप से डाउन साइड लेके आना है, अपने हिप्स के डाउन साइड लेके आना, देन क्लैप करना है।
अगेन आप इसको आपने 15 के 4 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने राइट हैंड के एल्बो को बेंड करके रखना है, दोनों लेग्स की निक को बेंड करके रखना है। फर्स्ट अपने लेफ्ट लेग को यूज करना है, लेफ्ट लेग को ओपन करना है, देन जॉइन लेफ्ट साइड 15 के 2 सेट्स करने हैं। सेम सेकंड साइड करना है, यानी कि राइट लेग का यूज करना है, राइट साइड में 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पे लेटना है, देन अपने दोनों लेग्स के बेंड करके रखना है। फर्स्ट आपने राइट लेग को यूज करना है, राइट लेग को आपको लेफ्ट साइड डाउन करना है, देन लेफ्ट को राइट साइड, इसको 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस आज जो मैंने आपको वेट लॉस की एक्सरसाइजेस बताई, आई होप कि आपको मेरी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड जो आज मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई है, इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू एक्सरसाइजेस के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।